हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं जंतुओं और पौधों में क्या अंतर होता है। जनरली हम देख करके ये बता देते हैं कि ये जंतु है और ये पौधा। जीव विज्ञान कहता है दोनों जीव हैं, दोनों में सभी जैविक क्रियाएं किसी न किसी रूप में होती हैं। बहुत शायद समय पहले पौधों को जीवधारी नहीं माना जाता था, लेकिन आज जीव विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पौधे भी, कवक भी, जीवाणु भी सब जीव हैं, सब जीवधारी हैं, सब में सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो है पौधों और जंतुओं में क्या अंतर पाया जाता है। पौधों और जंतुओं में मुख्य रूप से जो अंतर हैं वह आपको बोर्ड पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसे कॉपी करें, अपने नोटबुक में नोट करें। जो प्रमुख हैं फिर उसमें जो विशिष्ट बातें हैं आप ध्यान से सुनें। देखिए, पहला लक्षण जंतुओं में पौधों में, लक्षण के अनुसार जंतुओं में वो लक्षण किस रूप में हैं, पौधों में किस रूप में हैं और जंतुओं में किस रूप में हैं यह बताया जा रहा है। तो पहला देखिए, पोषण रीच, पोषण रीच के अनुसार जंतु सभी जंतु परपोषी होते हैं, सब में पोषक पदार्थ ग्रहण करने की जो क्रिया है होलोजोइक होती है, प्राणी संभोजी होते हैं। अर्थात सभी जंतु अपने वातावरण से भोजन पदार्थों को निगल कर प्राप्त करते हैं, स्वैलोइंग क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, पूरा अपने आहार नाल में प्रवेश करा लेते हैं या कोशिकाओं में प्रवेश करा लेते हैं, जहाँ पर ले जा करके उसकी पाचन क्रिया करते हैं, ऐसा जंतुओं में होता है। इसलिए जंतुओं में जंतु परपोषी होते हैं, होलोजोइक होते हैं, प्राण संभोजी होते हैं, भोजन पदार्थों को घूंटते हैं और उनमें पाचन क्रिया होती है। जबकि पौधे प्रायः समपोषी होते, स्वयंपोषी होते हैं, कुछ परपोषी पौधे भी पाए जाते हैं जैसे कवक, कसकुटा आदि, लेकिन प्रायः पौधे जिन्हें हम पौधे कहते हैं स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उनमें पर्णहरिम क्लोरोफिल होता है जिसकी सहायता से वे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सभी पौधे लगभग प्रायः स्वपोषी होते हैं। सबसे विशिष्ट बात यह है कि पोषक तत्वों को पौधे अवशोषण प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं, यानी वो सोख कर एब्जॉर्ब करके अपने पोषक तत्वों को या तत्वों को प्राप्त करते हैं, इनमें पाचन क्रिया नहीं होती है। कुछ कवक जो है बाह्य कोशिकीय पाचन करते हैं, अर्थात कवक जो है जब भोजन पदार्थ के पास पहुंचते हैं अपने पोषक पदार्थ के, तो वह अपने कोशिकाओं से पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं और बाह्य पाचन करके फिर उनका अवशोषण करते हैं। इसी पद्धति से सिरका, एल्कोहल आदि ईस्ट खमीर के द्वारा बनाया जाता है। ईस्ट जब चीनी के घोल में या शुगर के घोल में डाल दिया जाता है तो ईस्ट कोशिकाएं अपने कोशिकाओं से जाइवेज एंजाइम बाहर निकालती हैं और उस एंजाइम के द्वारा अपने सराउंडिंग में उपस्थित ग्लूकोज के अणु का विघटन करके एल्कोहल, एस्टिक एसिड या अन्य पदार्थ बना लेते हैं और साथ ही अपने अंदर ग्रहण भी करते हैं। दूसरा, पर्णहरिम, जंतुओं में पर्णहरिम नहीं पाया जाता। युगलीना एक ऐसा जंतु है जिनमें पर्णहरिम पाया जाता है,
यानी हरित लवक पाया जाता है। युगलीना को छोड़कर अन्य किसी जंतु में पाड़हरिन नहीं पाया जाता, इसीलिए युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। याद रखें, युगलीना में जंतुओं जैसे भी लक्षण हैं और पौधों जैसे भी लक्षण हैं, इसीलिए जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। साथ ही पौधों में पाड़हरिन होता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वृद्धि, जंतुओं में वृद्धि शरीर के सभी अंगों में आंतरिक रूप से होती है, सभी भागों में आंतरिक रूप से होती है। अर्थात जैसे हम लोग हैं, उनका लीवर भी वृद्धि करता है, किडनी भी वृद्धि करता है, त्वचा भी वृद्धि करती है, हड्डियां भी वृद्धि करती हैं, ब्लड नलिकाएं, रुधिर नलिकाएं भी वृद्धि करती हैं, हर समय तक होता है। इसके विपरीत पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों से होता है, जिन्हें विभज्योतक कहते हैं। अर्थात पौधे की जो लंबाई बढ़नी है उसके शिखरों से बढ़ती है, बीज से नहीं वृद्धि होती है, जबकि जंतुओं का शरीर बीज से भी वृद्धि होती है। दूसरा, वृद्धि के संदर्भ में जंतुओं की वृद्धि मृत्यु के कुछ समय पहले बंद हो जाती है, और जबकि पौधों में मृत्यु के समय तक वृद्धि होती रहती है। ध्यान रहे, ये कन्फर्म है कि पौधों में वृद्धि मृत्यु के समय तक होती रहती है, जंतुओं में वृद्धि मृत्यु के कुछ समय पहले बंद हो जाती है। चौथा पॉइंट, संचित भोजन। जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका संचयन जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पौधों में मंड या स्टार्च के रूप में होता है। कुछ कवक ऐसे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, कुछ कवक हैं, शैवाल हैं, उनमें संचयन जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो कुछ कवकों और शैवालों को छोड़कर सभी पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन स्टार्च यानी मंड के रूप में होता है, जबकि सभी जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है और अधिक होने पर वसा के रूप में होता है। पांचवा पॉइंट, जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, अंतःस्रावी तंत्र होता है। जंतुओं में के शरीर में बनने वाले अपशिष्ट बेकार पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अंग व अंग तंत्र पाए जाते हैं, जबकि पौधों में इसका अभाव होता है। जंतुओं में आँख, नाक, कान या अन्य वातावरणीय उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए अंग होते हैं। जंतुओं में वातावरणीय उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए अंग होते हैं, इन अंगों से मिलकर के तंत्रिका तंत्र बनता है, जबकि पौधों में इसका अभाव होता है। जंतुओं में के शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम या हार्मोन आदि का स्राव करती हैं, लेकिन पौधों में इनका अभाव होता है। तो आप देखें, जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है, जबकि पौधों में इसका अभाव होता है। कोशिका के संदर्भ में अंतर देखें तो पौधों में कोश जो जंतु हैं उनमें कोशिका भित्ति लवक व रेतिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में कोशिका के चारों ओर कोशा भित्ति नहीं होती है, ना उसके अंदर लवक प्लास्टिड्स होते हैं, ना इनमें रिक्तिकाएं होती हैं, बल्कि रसधानियां, खाद्य धानियां होती हैं, लेकिन रिक्तिकाएं नहीं होती हैं।
जबकि पौधों में सेलुलोज की बनी कोशा भित्ति होती है। केवल कवक ऐसे पौधे हैं जिनमें काइटिन भी पाया जाता है कोशा भित्ति में। तो पौधों में सेलुलोज की बनी कोशा भित्ति होती है, लवक होते हैं, बड़ी वृत्तिकाएं होती हैं, जंतुओं में नहीं होता। याद रखें, कवकों में कोशा भित्ति तो होती है लेकिन सेलुलोज की बनी होती है के स्थान पर उसमें काइटिन भी पाया जाता है। ऐसा नहीं सेलुलोज नहीं पाया, सेलुलोज भी पाया जाता है परंतु उसमें काइटिन भी होता है। जबकि जंतुओं में जो प्लाज्मा लेमा है वो काइटिन की बनी होती है। जंतुओं में सेंट्रोसोम लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। वनस्पतियों में पौधों में प्रायः इनका अभाव होता है परंतु कुछ शैवाल व कवक हैं या जिनमें यह पाए जाते हैं। गतियां, सबसे संदर्भ गतियां जिसे आप निर्जीव कह देते थे पौधों को, देखें जंतुओं में स्थानांतरित गतियां जिसे लोकोमोशन कहते हैं या स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने जैसी गतियां करते हैं। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली गतियां नहीं करते हैं बल्कि अपने स्थान पर ही रहकर प्रकाश की ओर मुड़ना, भूमि में जल की तलाश में जड़ों की वृद्धि करना, डालियों का इधर उधर चलना, पुष्पों का खिलना, छुई मुई पत्तियों को छूने पर बंद हो जाना, ये सब गतियां होती हैं जिन्हें वक्रण गतियां कहते हैं। क्लेमिडोमोनास और वालवाक्स नाम के ऐसे दो शैवाल हैं जिनमें चलने के लिए प्रचलन अंग पाए जाते हैं और यह स्थानांतरित गति जंतु की तरह करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जंतु और पौधों में क्या अंतर है, इसे आप कॉपी पर नोट कर लें।